बच्चों आज हम लोग कक्षा छठवीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। नागरिक शास्त्र लिए हैं, अध्याय 5 है, भाग 2 है, ठीक है। अध्याय का नाम है जिला प्रशासन। इसके पहले वीडियो में हमने जिला प्रशासन होता क्या है, जिलाधीश क्या है, जिलाधीश के महत्वपूर्ण कार्य, इसके बारे में क्या किए, विस्तारपूर्वक अध्ययन किए। आज का हमारा टॉपिक है जिला के अंतर्गत आने वाले प्रमुख विभाग। तो जिला के अंतर्गत आने वाले प्रमुख विभाग निम्नलिखित है, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, चिकित्सा विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, ये सब क्या हो, पुलिस विभाग हो गया, ये सब जिले के अंतर्गत आने वाले विभाग होते हैं। इनमें अनेक कर्मचारी व अधिकारी होते हैं जो अपने अपने विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं, अपने अपने विभाग के कार्यों में नियंत्रण रखते हैं। साथ ही इनके कार्यों में, इन विभागों के कार्यों में जिलाधीश और जिला प्रशासन क्या करता है, नियंत्रण रखता है। और ये पूरे कार्य उस जिला अधिकार जिलाधीश के नियंत्रण में रहकर ये विभाग अपने महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और यदि इन विभागों से कोई कार्य ठीक से नहीं हो रहा है तो जिलाधीश इस पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। साथ ही अगर लोगों को इन विभागों और अधिकारियों से के कार्यों से संतुष्टि नहीं है तो वह जिलाधीश के पास मदद मांगने के लिए जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई किसान है, अगर उनको जिले के अंतर्गत जो कार्य, कृषि विभाग के अंतर्गत जो कार्य सौंपा गया उसके कार्य को ठीक से नहीं किया तो वे जिलाधीश के अंतर्गत क्या करते हैं, अर्जी लगाने के लिए जा सकते हैं। जिलाधीश इसकी क्या करती है, सहायता करती। साथ ही जिलाधीश विभिन्न समय में जैसे बाढ़ आ गई, अकाल आ गई, भूकंप आ गई, अचानक आग लग गई या किसी कारणवश दुर्घटनावश किसी की क्या हो गई, दुर्घटना हो गई, इन समय में जिलाधीश क्या करती है, मदद करती है, लोगों की मदद करती है। साथ ही जिलाधीश अपने विभाग पर समय समय पर क्या लिखती रहती है, ब्यौरा लगती है। अपना यह कार्य वह क्या करते हैं, अपने जिला मुख्यालय में करती है, पर यह जरूरी नहीं है कि वे अपने सभी कार्य जिला मुख्यालय में ही संपन्न करें। इसके लिए वह क्या करती है, कभी कभी गाँव में समय समय पर क्या करती है, ब्यौरा करती है। और जिला प्रशासन के अंतर्गत सभी विभाग कार्य ठीक से कर रहे हैं या ना कर रहे हैं इसके भी नजर रखती है, ठीक है। साथ ही जिलाधीश को अनेक कार्य अधिकार प्राप्त होते हैं, यह अधिकार राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होते हैं। साथ ही वे अपने से कोई कानून बना नहीं सकते और कोई कानून नष्ट नहीं कर सकते, उसे पूरा कार्य जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के नियंत्रण में रहकर ही कार्य करना पड़ता है। ये है जिले के अंतर्गत आने वाले विभाग और उनके कार्य। बस इतना ही।